दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मार्केट में पिछले कुछ दिनों से उतार और चढ़ाव की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक ऐसा टाइप जिसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहते हैं, इन्वेस्टिंग का एक ऐसा पावरफुल तरीका जिसके द्वारा कि हम अभी के मार्केट में और आने वाले समय में जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन गिरावट का बना रहता है, मार्केट के इस सिचुएशन का हम फायदा उठा करके अपना आने वाला जो फ्यूचर है उसको अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, किसी व्यक्ति ने इसमें एक साल के पहले 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसको 60% का रिटर्न्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मिल रहा है। मतलब कि उसकी जो कैपिटल हो चुकी है वो 1,60,000 हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में दो स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूँगा जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर इस मार्केट से हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बात करेंगे ETF क्या होता है। ETF की ऐसी दो स्ट्रेटजीज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप भी इस मार्केट से एक अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। ETF के कुछ टाइप्स भी देखेंगे जिसमें कि हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और इसके बाद आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके भी मैं दिखाने वाला हूं किस तरीके से पैसा ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। ETF क्या है दोस्तों? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, विच मीन्स कि ऐसे फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 915 से लेकर 330 के बीच में आप कभी भी ETF में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में यह होता है कि आप SIP वगैरह अपना कर रहे हैं, किसी भी समय आपकी SIP कट जाती है, लेकिन दोस्तों ETF में आपको मार्केट आवर्स में ही, यानी कि जब मार्केट चल रहा होता है उसी टाइम पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट की बात करें तो आप यहां पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, INDMoney हो गया। दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट का ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त का यदि मार्केट देखा जाए तो मार्केट इस समय क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है पिछले कुछ सालों से। और दोस्तों दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट। दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से यदि हमको अच्छा रिटर्न्स बनाना है तो हमें हमेशा ये डाउन वाला जो पॉइंट है इसको हमें पिक करना होता है। यदि हम इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट अपना करते जाते हैं तो फ्यूचर में चल के हमारे जो एक्सचेंज ट्रेडेड यानी ETF के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे लिए बेहतर हो जाते हैं। यदि दोस्तों डाउन ट्रेंड का मार्केट यदि मिलता है तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों ये जो अभी डाउन ट्रेंड का जो समय है ये अभी आया नहीं है। यदि जब आएगा आने वाले सालों में तो ETF के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी जो है हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें हमेशा ये पॉइंट पकड़ना है। अब ये पॉइंट पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों ETF में इन्वेस्टमेंट करने की जो पहली स्ट्रेटजीज है वो है 7/14/21/28। ये क्या है दोस्तों? ये है महीने की डेट, यानी कि महीने की पहली 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। इस डेट को चूज करने का मेरा मोटिव क्या है, क्यों मैंने ये डेट चुना है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने प्लानिंग कर ली है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि महीने की पहली 7 तारीख को आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2,500 आप किसी एक ETF में इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे, और दोस्तों जो ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7 तारीख को, इसके बाद इस ETF में आपको 14 तारीख को पैसा नहीं डालना है, 21 को भी नहीं डालना है और 28 को भी नहीं डालना है। इसके बाद दोस्तों 14 तारीख को जो दूसरा ETF है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 21 को और 28 को इस
ETF में आपको पैसा नहीं डालना है। अब लेट सपोज दोस्तों कि मान लीजिए कि ये 21 को क्या हो रहा है, मार्केट में क्रैश आ गया बहुत बड़ा। मान लीजिए कि मार्केट जो 10% गिर गया, 5% गिर गया, 15% गिर गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस होता है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो 28 तारीख वाली जो ETF आपको करनी है उसका पैसा और आने वाला जो ETF है यानी 7 तारीख का, ये पैसा आप एक साथ उठा के 21 वाले डेट में डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद 21 को जिस ETF में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर 28 को उस ETF में आपको पैसा नहीं डालना है। इसके बाद दोस्तों 28 वाले डेट में जिस ETF में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको 7 वाले डेट में उस ETF में पैसा नहीं डालना है। इस तरीके से दोस्तों ये जो साइकिल है ये रोटेट होती रहती है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये होता है कि क्या 7, 14, 21, 28 को मार्केट क्या गिरता ही रहेगा? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब ये डेट हमने क्यों पिक किया हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा। 7 तारीख को मान लीजिए मार्केट डाउन मिला आपको, आपने 2500 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। 14 तारीख को मार्केट थोड़ा सा आपको अप मिला यानी ऊपर मिला, तो आपको यहां पे ETF के कम यूनिट्स मिलेंगे, ETF के कम शेयर्स मिलेंगे। फिर 21 तारीख को फिर मार्केट डाउन हो गया, तो आपको ETF के ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। 28 तारीख को भी दोस्तों इसी तरीके की सिचुएशन यदि होती है, तो आपको एक एवरेज जो है ETF का एक एवरेज प्राइस आपको मिल जाता है। और इसको जब आप साल, 2 साल, 3 साल जब इसको फॉलो करेंगे दोस्तों इस स्ट्रेटजीज को, तो उसके बाद आपको एक बेहतर रिटर्न्स मुझे लगता है कि देखने को आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ETF स्ट्रेटजीज में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 10, 17, 24, 31 की डेट को भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग 5, 12, 19 और उसके बाद 26 तारीख की डेट को भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये डेट कहां से निकल के आती है, आपको कहां से ये डेट देखना है? दोस्तों ये जो डेट है ये हमारी NSE की वेबसाइट से निकल करके आती है। दोस्तों इस मार्केट में दो एक्सचेंज है, एक है NSE और दूसरी है BSE। अब दोस्तों ये जो एक्सचेंज होते हैं, अब निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है NSE का, और उसके बाद सेंसेक्स जो है BSE का एक बड़ा इंडेक्स है। तो दोस्तों NSE में जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें हर महीने क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती रहती है, यानी महीने का 4 दिन जो होता है वीकली एक्सपायरी होता है। तो इस एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी ये निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाकर के गिरावट देता है और कभी कभी ये ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन चेन में आपको आना है, आने के बाद यहां पर निफ्टी आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हम अभी अक्टूबर में 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर का भी एक्सपायरी होना बाकी है। नवंबर का देख सकते हैं, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर यहां पे शो कर रहा है, जो डेट मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो दोस्तों ये जो 4 डेट है, इस 4 डेट को यदि निफ्टी 50 दो बार भी यदि डाउन में जाता है और उस दिन आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आगे चल के इसका बेनिफिट अच्छा देखने को मिल सकता है। यदि मान लीजिए 2 दिन निफ्टी 50 ग्रीन में क्लोज होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि वो आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में चल के मिलता है। और दोस्तों जो दूसरी स्ट्रेटेजी होती है वो है 1% रूल। दोस्तों यदि आप 7, 14, 21, 28 का स्ट्रेटेजी भी आपको बहुत कठिन लग रहा है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजी आपके लिए और आसान में बता देता हूं, 1% रूल। 1% या 2% रूल आप फॉलो करके भी ETF से एक अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वॉचलिस्ट में ETF आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं यहां पे आप सभी के लिए 4 ETF को मैंने पिक किया हुआ जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो यहां पे आप सर्च करके उसका एक वॉचलिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहां पे एक वॉचलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि इस वॉचलिस्ट में आप देख सकते हैं यहां पर 1.36% ये ETF डाउन है, यहां पे 1.48% डाउन है, 1.5% डाउन है, 1.39% डाउन है। तो दोस्तों जब भी आपको एक दिन में कोई भी ETF आपको 1 से लेकर 2%, 3% डाउन यदि मिल रहा है, चाहे कभी भी महीने में किसी भी दिन यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि ये डाउन है 1 से 3%, तो वहां पे एक स्मॉल अमाउंट आप ETF में डाल सकते हैं। जब जब 1 से 2% डाउन हो
आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से ETF में हमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे जो भी नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं। जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो क्रिएट की जा रही है ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो ETF है जो कि आप प्लानिंग कर सकते हैं, निपोन इंडिया का ETF Nifty 50 20, यानी कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है लार्ज कैप वाली, उसका एक इंडेक्स बना हुआ है। इसका AUM 34,000 करोड़ रुपए है। और दोस्तों ETF में उसी ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो। तो इस ETF में आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ स्टॉक इसमें 50 हो जाते हैं, और एक्सपेंस रेशियो दोस्तों देख सकते हैं 0.04% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफी कम हो जाता है। अब दोस्तों कोई फंड मैनेजर है जो कि इस तरीके का ETF डिजाइन कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो खर्चा आपसे लेगा। तो 0.04% एक साल में इसने 24% का रिटर्न्स दिया है, क्योंकि ये एक हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करने वाला फंड है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें रिस्क भी नहीं होता है, सेफ्टी यहां पे आपको देखने को मिलती है और रिटर्न्स भी आपको एक अच्छे देखने को यहां पे मिलते हैं। वहीं पे इंडिया में देखिए टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप की हैं, 50 कंपनियों को तो निफ्टी 50 में रखा गया है, और नेक्स्ट जो 50 कंपनी है उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखा गया है, यानी इसका भी एक इंडेक्स बना हुआ है। तो नेक्स्ट फंड जो है वो है SBI का ETF निफ्टी नेक्स्ट 50। AUM 3,204 करोड़ रुपए है, वॉल्यूम देख सकते हैं मीडियम है, मतलब इसमें मीडियम में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 हो जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो 0.15 का हो जाता है, और 3 साल में दोस्तों इससे 72% का रिटर्न्स निकाल के दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बैंक में FD करेंगे या फिर LIC वगैरह करेंगे या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर भी इतना रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों किसी पर्सन ने यदि पिछले 3 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको 72% का रिटर्न्स यहां पे मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंड है निपोन इंडिया का ETF निफ्टी मिड कैप 150। अब मिड कैप में जो लोग इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं 150 कंपनीज में, तो उसका भी ETF बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे AUM देख सकते हैं 1,752 करोड़ का है, वॉल्यूम यहाँ भी हाई होती है, और 149 कंपनी के स्टॉक्स का ये एक इंडेक्स है, और एक्सपेंस रेशियो की बात किया तो 0.21% का है। 5 साल का रिटर्न्स दोस्तों देख सकते हैं 252% का रिटर्न्स 5 सालों में इसने CAGR निकाल करके दिया हुआ है। और सबसे लास्ट है वो है सेक्टोरल ETF। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आगे चल के कौन सा सेक्टर अच्छा काम करने वाला है, किस सेक्टर्स में तेजी आ सकती है? दोस्तों मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मा सेक्टर को पिक किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, तीसरा है IT सेक्टर, और नेक्स्ट है डिफेंस, यानी कि जिसमें CPSE ETF आता है। तो दोस्तों ये जो सेक्टोरल ETF होते हैं थोड़े से रिस्की जरूर होते हैं, और यहाँ पे जो एलोकेशन है पैसे का वो बहुत मिनिमम आपको करना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एलोकेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्टर्स के बारे में जब तक नॉलेज ना हो तब तक हमें सेक्टोरल ETF में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें से 2 सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, जो कि डिफेंस अभी डाउन चल रहा है तो इसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा यदि आपको कुछ और ETF यदि आपको लगता है कि नहीं अच्छा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।